हेलो दोस्तों, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में निकली हुई है वैकेंसीज़। काफ़ी दिनों से CRPF अच्छी वैकेंसीज निकाल रहा है, जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल रहा है और अच्छे से भर्ती भी ले रहा है। तो आप इस जॉब को देखिए और समय काफ़ी कम बचा हुआ है तो आप जल्द से आवेदन भी कर दीजिए अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो। और चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी फ़ीस लगेगी, कब तक इसमें क्या होने वाला है, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन टेक स्टडी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। ये CRPF की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा, लेकिन मैं आपको दूसरी साइट से बताऊँगा, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। दोस्तों, जो पोस्ट है जिस पर जगह निकली हुई है उसका नाम है CRPF वेरियस पोस्ट SI ASI कॉन्स्टेबल। ठीक है, SI का मतलब सब इंस्पेक्टर और ASI का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और जो ये आया हुआ था 27 मार्च को, हालांकि लेकिन मैंने तब इसका वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ये मैं सोचता था कि अपडेट होने वाला है, तो अपडेट हुआ है ये 15 अप्रैल को। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में बताया है कि ये किस पद पर निकली हुई है वैकेंसी और कैसे क्या इसमें है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स को देखते हुए आपका कोई मैटर फंस तो नहीं रहा है, आपका दूसरा कोई एग्ज़ाम तो नहीं पड़ रहा है, या फिर इसकी लास्ट डेट कब है। जैसे कि इसमें देखिए, अप्लीकेशन बिगिन ये 6 तारीख 4th महीना 2007 को शुरू हुआ था, ठीक है, अप्रैल में, और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 5/5/2017 है, ठीक है, मई। ठीक है, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, अगर आप फी पेमेंट का लास्ट डेट देखें तो वो भी 5/5/2017 है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी सावधान रहना होगा क्योंकि ये 1/5/2017 को ही समाप्त हो जाएगी, इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर पाएंगे, ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम होना है 30/7/2017 को एग्जैक्ट, और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा आपको जुलाई 2017 में अवेलेबल हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट से 2 या 1 हफ्ते पहले, तो आप चेक कर लीजिएगा। आंसर की जो आप एग्ज़ाम देंगे तो कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है इसका आप पता कैसे लगाएंगे आंसर की से, तो आंसर की आपकी आ जाएगी अगस्त में ही 2017 में, हालांकि ये 1 मंथ बाद आएगी। चलिए अब बात करते हैं इसका जो फीस है वो कितना है। तो सब इंस्पेक्टर SI की फ़ीस है 200 रुपये, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है 100 रुपये, कॉन्स्टेबल की है 100 रुपये, 100 रुपये लगभग कॉन्स्टेबल की रहती ही है, ठीक है, जब भी फॉर्म निकलता है कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में कॉन्स्टेबल की 100 रुपये ही होती है। SC ST जो होता है कैंडिडेट्स जो एक सर्विसमैन होते हैं वो एक्सेप्ट ऑल पोस्ट ओनली फिल द फॉर्म, ठीक है, और पेस्ट द एग्ज़ाम फी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, वो तो सिंपल है ना, अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। अभी ये कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि पोस्ट की जगह कितनी है, तो 240 पोस्ट हैं और एज लिमिट है 5/5/2017 SI ओवर सीजर सिविल। ये जो पोस्ट है इस पर वैकेंसीज कितनी हुई हैं आप यहाँ पे वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि समय कम है, छोटा वीडियो बनाना है। और देखिए, जनरल में 66 जो हैं, ठीक है, OBC में 39, SC में 20 और ST में 10, टोटल हैं जो वो 135 हैं, ठीक है। एज जो है वो 21 से 30 है इस पोस्ट की, और इसके लिए आपको 10+2 विद 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं SI.MN और CT मैसन और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, अगर इसमें आपका कुछ भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी ये नीचे शर्त देख लीजिए और वैकेंसी देख लीजिए, कहीं आपकी वैकेंसी 0 या 1 ना हो, वैसे 0 ना हो बस यही आपको चाहिए क्योंकि आपको तो एक ही पद पे जाना है, ठीक है। कुछ लोग इसलिए नहीं डालते फार्म कि इसमें तो एक ही वैकेंसी है, तो ये गलत बात है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जो है इसकी हाइट कितनी होनी है और चेस्ट कितना होना है वो देख लीजिए। देखिए, जो सब इंस्पेक्टर है SI, इसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर से अगर आप नीचे हैं
तो प्लीज़ आप इसको मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, ठीक है। और चेस्ट है 80 से 85, ठीक है। और SI की जो रनिंग होने वाली है वो 1.6 यानी कि 1600 मीटर इन 9 मिनट, 9 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। तो ये बहुत ही आसान बात है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी रनिंग नहीं कंप्लीट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आर्मी होता है इंडियन आर्मी उसमें होता है 5 मिनट और 40 सेकंड कुछ ऐसे होता है, उतने में आपको निकालना होता है 1600 मीटर। यहाँ पर तो 9 मिनट मिल रहे हैं, आराम से आप वॉकिंग करते हुए जाएंगे तब भी निकल जाएगी। ASI जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसमें 170 सेंटीमीटर उतना ही है हाइट, और चेस्ट जो है वो 80 से 85 उतना ही है। अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो लोग ASI में अप्लाई करेंगे वो ध्यान दें कि 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा चैलेंजिंग है कि अगर आपकी रेस नहीं कंप्लीट है तो थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं आप, तो आपको रेस कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है कि आपको 16 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना ही दौड़ना है, ठीक है। और लॉन्ग जंप है जो आगे लंबाई की होती है वो 3.65 मीटर है, और जो हाई जंप है यानी कि जो ऊंचाई वाली जंप होती है वो 1.2 मीटर है। तो ये कुछ खास नहीं है। देखिए अभी शॉर्ट पुट है 16 LBS 4.5 मीटर। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्ट पुट क्या है, तो आपको हम शॉर्ट पुट बताएं क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने गूगल पे डाला हुआ है शॉर्ट पुट, इसको मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पर इमेजेस देख लीजिए आप। ये जो एक लोहे का गेंद टाइप का होता है, बॉल जो होती है उसको गले से लगा करके कस के घुमा के फेंकना होता है, तो ये बॉल काफ़ी वजन होती है। मैंने इसको देखा करके, हालांकि मैं तो 1 मीटर भी नहीं फेंक पाया था, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आप पहले से कुछ ट्राई कर लीजिएगा ऐसे फेंक करके, क्योंकि ये गले के पास से घुमाओ तो बहुत ताकत पड़ती है इसमें, है ना। तो ये आपको देख लेना है, चलिए अभी आपको दिखाते हैं। 4.5 मीटर फेंकना है, आसान बात नहीं भाई। कॉन्स्टेबल जो सिटी है इसमें 170 सेंटीमीटर है उतना ही, 80 से 85, चेस्ट है, और 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। और अगला जो है कॉन्स्टेबल सिटी ST कैंडिडेट्स के लिए, इसमें भाई कुछ रिलैक्सन मिला है, 162.5 सेंटीमीटर है जो हाइट है, काफ़ी कम है इनके लिए, अच्छी बात है। और 77 to 82 ये भी कम है इनका, 1.6 वो तो ऐसा ही है। चलिए अभी आपको फटाक से करना है यहाँ पर आवेदन, तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर आपको अगर कर लीजिए, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप इसका नोटिफिकेशन देखिए, चौथे नंबर पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इससे आप क्लिक करके यहाँ क्लिक हेयर पर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको तब ठीक ठाक लगता है फॉर्म, इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी इसमें पता चल जाएगा, तभी आप इसको अप्लाई करें। और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसको जाकर देख लीजिए, ताकि कोई फेक वाला काम ना हो कि ये अलग से दे दिया, ये है वो है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ज़रूर ही दिखाएगा। और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर अगर आप क्लिक करते हैं, चलिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहले एक पेज खुलेगा, यहाँ पर ये आपको फिर से बताएगा यहाँ पर कि कितना हम क्या मांग रहे हैं, इसके आप जो है एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप पूरा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद अगर आप हैं तो यस पे करेंगे, नहीं है तो नो पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ इस जॉब के लिए, तो मैं यस पर क्लिक कर लिया मैंने, अभी ये ओपन हुआ है। मैं पहला स्टेप बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पोस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल, जो भी आप भरना चाहते हैं। जैसे मैं सब इंस्पेक्टर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद थोड़ा रुक जाइए, ये सब इंस्पेक्टर पर देखिए एक ही पोस्ट है, SI ओवरसीजर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, चाहे नेट पर सर्च कर दीजिए, चाहे किसी से पूछ करके, आपके पास का जो भी सेंटर हो CRPF का उसको आप सिलेक्ट कीजिए, वहीं पर एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका अपना। उसके बाद नेम डालिए, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमेसियल स्टेट वाला डालिए, कैटेगरी डालिए अपनी, जेंडर डालिए, एक्स सर्विसमैन है तो वो भी डालिए, ईमेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, नेशनलिटी, रिलीजन, और ये सिंपल सी चीज़ें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तब भी उसे आप छोड़ सकते हैं। फिर 10th यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10th और 12th ये दोनों आपको ज़रूरी डालने हैं। देखिए 10th के आगे स्टार बना हुआ है 12th के,
अगर आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, वो कुछ लोग जो डिप्लोमा किए हुए लेकिन ग्रेजुएशन उनका नहीं है, तो वो लोग परेशान ना हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर देखिए आप छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। अभी इसके बाद अपना एड्रेस आपको डालना है पोस्टल लाइन्स में, और इसके बाद आपको अपनी हाइट और वेट, इससे आप अगर नहीं आपको कन्फर्म है तो एक बार फिर से अपना नाप लीजिए, तब जाके इसमें फिल करिए, है ना। ये ना हो कि आपकी हाइट ज़्यादा हो और आप कम डाल दें तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर एज रिलेक्शन वगैरह अगर आपका कुछ चेक करें तो भी आप यहाँ से लग सकते हैं, एज काउंट भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर कैप्चा डालिए और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद सब वही होता है कि फ़ोटो लगाइए, साइन लगाइए, फिर फाइनल जो है सबमिट कीजिए, बस वही प्रिंट लेना रहता है, रिसीविंग जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी आप क्वेरी हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये जो है मैंने पूरा बता दिया है आपको, CRPF जो है SI और ASI कांस्टेबल में कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं। आप वीडियो के नीचे जस्ट एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन वहाँ पर क्लिक करके इन सारे लिंक्स को पा सकेंगे, और भी मैं कुछ लिंक्स दे देता हूँ जो आपको कन्फर्मेशन के लिए। और दोस्तों आपको मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो देख डाला है तो ये भी बात सुन लीजिए कि दोस्त, अगर वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो मान के चलिए आप समय के बाद देखते हैं, यानी कि ये जब ओवर टाइम हो जाएगा, जो इसका समय निकल जाएगा, तब अगर आप देखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये जॉब गई तो गई, अगली जो मैं लेटेस्ट अपडेट डालूंगा तो वो आप देख पाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब, और उसके पास में एक बेल आइकन में उसको भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और अगली वीडियो लेकर भी आएंगे, अच्छी वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।